ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दरअसल इस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। कोलकाता के अलावा गुजरात टाइटंस ने भी इस खिलाड़ी के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए तक की बोली लगाई थी। बता दे कि आज हुए ऑक्शन में कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए देकर खरीदा था, लेकिन स्टार्क ने कुछ ही देर में कमिंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दे कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पिछले 8 सालों में आईपीएल नहीं खेला है। इस बार उन्होंने आईपीएल में अपना नाम 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर रजिस्टर करवाया था। आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जब उनका नाम आया तो दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले उनके नाम पर बोली लगाने की शुरुआत की। दिल्ली के साथ साथ मुंबई इंडियंस ने भी स्टार्क के लिए काफी दूर तक बोली लगाई, लेकिन उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मिचेल स्टार्क के लिए असली जंग शुरू हुई। कोलकाता और गुजरात दोनों टीमों के पास 31 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए थे, इसलिए दोनों ने 20 करोड़ रुपए से ऊपर तक नॉन स्टॉप बोली लगाई। पैट कमिंस के 20 करोड़ 75 लाख रुपए के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स के अंत में 24 करोड़ 75 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मिचेल स्टार्क ने अपना आखिरी आईपीएल 2015 में खेला था। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड फास्ट स्विंग बॉलर ने अभी तक आईपीएल में कुल 27 मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 20.38 की औसत से 7.17 की इकोनॉमी रेट से कुल 34 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान 15 रन देकर 4 विकेट चटकाना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अब देखना होगा कि आईपीएल 2024 में मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कैसी गेंदबाजी कर पाते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दरअसल इस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। कोलकाता के अलावा गुजरात टाइटंस ने भी इस खिलाड़ी के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए तक की बोली लगाई थी। बता दे कि आज हुए ऑक्शन में कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए देकर खरीदा था, लेकिन स्टार्क ने कुछ ही देर में कमिंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दे कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने पिछले 8 सालों में आईपीएल नहीं खेला है। इस बार उन्होंने आईपीएल में अपना नाम 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर रजिस्टर करवाया था। आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जब उनका नाम आया तो दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले उनके नाम पर बोली लगाने की शुरुआत की। दिल्ली के साथ साथ मुंबई इंडियंस ने भी स्टार्क के लिए काफी दूर तक बोली लगाई, लेकिन उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मिचेल स्टार्क के लिए असली जंग शुरू हुई। कोलकाता और गुजरात दोनों टीमों के पास 31 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए थे, इसलिए दोनों ने 20 करोड़ रुपए से ऊपर तक नॉन स्टॉप बोली लगाई। पैट कमिंस के 20 करोड़ 75 लाख रुपए के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स के अंत में 24 करोड़ 75 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मिचेल स्टार्क ने अपना आखिरी आईपीएल 2015 में खेला था। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड फास्ट स्विंग बॉलर ने अभी तक आईपीएल में कुल 27 मैच खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने 20.38 की औसत से 7.17 की इकोनॉमी रेट से कुल 34 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान 15 रन देकर 4 विकेट चटकाना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अब देखना होगा कि आईपीएल 2024 में मिचेल स्टार्क कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कैसी गेंदबाजी कर पाते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।